हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स ए गुड ऑन गाइस। ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स यू ऑल हैव शोन टुवर्ड्स द मॉड्यूल और द स्टडी मटेरियल फॉर अकाउंटेंसी पोर्शन, जो कि JKSSB अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने कल ही लॉन्च किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ क्वेरीज जो है स्टूडेंट्स की वो ले लेता हूँ। उससे भी पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टिल नाउ 633 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया हुआ है इस PDF के लिए या इस मटेरियल के लिए, जो कि 10th of June 10 तारीख को, हाल ही दो ही दिन रह गए हैं, तो 10 तारीख को आपको मेल ID पे वो जो PDF है उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस WhatsApp पे भी आपको वो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो कॉल्स किया उसमें ये पूछा कि सर क्या हार्ड कॉपी जो है इसकी वो अवेलेबल होगी। देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से इस समय डिफरेंट स्टूडेंट्स तक वो पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और पब्लिशिंग हाउस से हमारी बातचीत चल रही थी, बट उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी फिलहाल के लिए आपको PDF मिल रही है, PDF का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो सर्व एज ए हार्ड कॉपी। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि YouTube पे उसकी डिटेल डिस्कशन जो है जब भी कोई PDF देता वो हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल डिस्कशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दी MCQs जो कि अकाउंटेंसी सेक्शन के होंगे, किरण जी सर जो है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे हमारे YouTube चैनल विंग्स ए गुड़ान पे, जो कि जैसे आपका सिलेबस का 80-90% पोर्शन कम्प्लीट हो जाता है तो वो शुरू करेंगे। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वीडियो में हमने वैसे सारी डिटेल्स बताई हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये कैसे मिलेगी हमें, हम कैसे रजिस्टर करेंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप जो हमने कल वीडियो लॉन्च या वीडियो अपडेट की थी आप वहाँ देखें, उसमें आपको सब पता चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने सभी डिटेल्स दी है। फर्स्टली यू नीड टू रजिस्टर, वहाँ एक फॉर्म है, उस फॉर्म पे क्लिक करिएगा, हाइपर लिंक है, ब्लू लिंक है, क्लिक करने के बाद आपको एक साइट पे लेके जाया जाएगा जहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है, वो डिटेल्स हम तक पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर जो भी नीचे डिटेल्स दी हुई हैं वो करने के बाद अपना स्क्रीनशॉट जो है वो हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और 10 तारीख को आपको ये जो आपकी मेल पे या व्हाट्सएप पे वो PDF का लिंक मिल जाएगा, फ्रॉम दैट आप उसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें। तो आइए शुरू करते हैं। देखो आपको सबको याद होगा कि कंप्यूटर के हमने ऑलरेडी 2 lectures अपलोड किए हुए हैं, आज 3rd lecture है कंप्यूटर का, और लगभग 2 से 3 दिन पहले, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने रीजनिंग का जो कि JK Bank PE और बैंकिंग एसोसिएट में है उसका एक पोर्शन इनइक्वालिटी वो शुरू किया था। मार्वलस रिस्पॉन्स स्टूडेंट से मिला, और मैं आपको बता दूँ कि उसके अलावा हमने क्वांट भी शुरू करना है, दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन IBPS PEO, पर्टिकुलरली फॉर JK Bank PEO एंड बैंकिंग एसोसिएट। बड़ा इशू ये है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वीडियो जो है रीजनिंग की सेकंड कब आएगी, कंप्यूटर की काफ़ी दिन हो गए, 2-4 दिन हो गए वीडियो नहीं आई। देखो यार इंसान है, हम भी डे नाइट वर्क कर रहे हैं, हम मशीन्स नहीं है, बहुत काम कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे ही हमें वीडियो बनानी होती है उस पर टाइम लगता है, वो सब कर ही रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा इसमें। अब JKSSB ने भी अपनी नोटिफिकेशन दी हुई है, JK Bank ने भी दी है, पैरेलल इन दोनों को रन करना हल्का सा डिफिकल्ट है। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और जो आपने सपोर्ट, जो प्यार अभी तक दिया है वो बनाए रखो। मैं बता रहा हूँ वो सब चीज़ें जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और जैसे मैंने पहले भी बोला है मैं अपनी वर्ड्स पे स्टिक करता हूँ, वो सब यहाँ पर मिलेंगी आपको। उसके अलावा जो हमने कंप्यूटर्स का पोर्शन शुरू किया था, 2 lectures ऑलरेडी अपलोडेड है, 3rd lecture शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं काफ़ी चीज़ों पे वर्क किया जा रहा है, आने वाले दिनों पे आपको बहुत से नई चीज़ें जो है हमारे YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। देखिए अब हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे, कन्वर्जन्स पे हमने शुरुआत में हमने पढ़ा था कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया जाता है, डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया जाता है, देन ऑक्टल से हमने बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, ये सब पढ़ा। और उसके अलावा सिर्फ 2 types रह चुकी थी, वो थी एक तो डेसिमल ऑक्टल, ऑक्टल डेसिमल, 2 ये, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, 2 ये। तो ये लगभग 2 से 4 आप बोल सकते हो, ये टाइप्स है, आज ये कवर करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, ASCII कोड्स क्या होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल स्विच ऑन टू 2nd chapter। देखिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जब भी कन्वर्जन जो है उनमें डेसिमल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो नॉर्मल वे में करना है वो जीरोज और वंस की फॉर्म में, आपको पता है। जिनको नहीं पता, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा।
दूसरा, जब भी डेसिमल आ जाता है कन्वर्जन में, जब भी डेसिमल आ जाता है कन्वर्जन में, वहां हल्का सा डिफरेंस है बाइनरी टू डेसिमल में, मैंने बताया था। यहां पर क्या है, देखिए, फर्स्टली यू नीड टू कन्वर्ट 214 जो कि डेसिमल में है, वहां से आपने आना है किसमें, ऑक्टल में। डेसिमल से आपने किसमें आना है, ऑक्टल में। तो देखिए इसे किस वे में किया जाएगा। सबसे पहले आपने 214 लिखा, अब जिसमें आना होता है अपने बेसिकली उसी चीज से डिवाइड किया जाता है। आपने ऑक्टल में आना, इट मींस यू नीड टू डिवाइड इट बाय 8। क्लियर, 8 टू जा 16, पीछे रह गया 5, 54। अब 54 तो 8 के टेबल में नहीं आता, 8 7 जा 56, बट 8 6 जा क्या हो गया, 8 6 जा 48। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, 6। वो 6 हमने कहां रखना है, ये राइट साइड, जो भी रिमाइंडर है वो राइट साइड। दोबारा आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, रिमाइंडर इज 2। अब तो नहीं आता ना 3 8 के टेबल में, ये तो रिमाइंडर इतना ही रहेगा। दिस इज 3, दिस इज 6, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मैंने बताया था आप सभी को। फ्रॉम 3 यू हैव टू गो लाइक दिस, इट मींस इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे लिख लेते हैं एक बारी। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 326 इन ऑक्टल। तो जो 214 डेसिमल में है वो ऑक्टल में कितना हो गया हमारे पास, 326। आई होप ये पॉइंट जो आपको क्लियर हुआ होगा, जस्ट 8 से डिवाइड करना है। ये नंबर हालांकि छोटा था, मैंने एक बड़ा नंबर भी आपके सामने लिया है, यहां से हमें और क्लैरिटी मिलेगी। आइए इसे सॉल्व करते, देखिए नंबर इज 97647, डेसिमल में है, आपने ऑक्टल में आना है, 8 से डिवाइड करते, 8 वन जा 8 17, 8 टू जा 16 16, 8 टू जा 16, अब 4 नहीं आता 8 के टेबल में, यहां आएगा 0, बन गया 47, 8 फाइव जा 40 40, और रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 7। क्लियर है पॉइंट, दोबारा डिवाइड करें 8 से, 8 वन जा 8 42, 8 फाइव जा 40 20, 8 टू जा 16 45, 8 फाइव जा 40, रिमाइंडर इज 5। क्लियर, दोबारा डिवाइड करते हैं 8 से, 8 वन जा 8 72, 8 नाइन जा 72, 5 नहीं आता, 0 लगाना पड़ेगा, रिमाइंडर इज 5। क्लियर, अगेन 8 टू जा 16, रहा कितना, 3 रहा, 30 हो गया, 8 थ्री जा 24, रिमाइंडर इज 6। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अगेन 8 थ्री जा करूंगा वो 24 बड़ा आ जाएगा, इट मीन्स 8 टू जा 16 हो गया, पीछे कितना रहा, 7, ये आ गया 7, 2 तो नहीं आता 8 के टेबल में, गो लाइक दिस, इट मीन्स इसका आंसर है 276557, 276557। तो ये किस में आ गया आपका, ऑक्टल में। तो गाइज इस वे में हमने कन्वर्जन जो है डेसिमल टू ऑक्टल वाले करने हैं। देखो मैंने एक ही सवाल तो नहीं लिया, मैंने दो सवाल इसीलिए लिए हैं कि अगर कोई कन्फ्यूजन है छोटे सवाल में तो बड़े सवाल में वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जितना भी मैंने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, आपको कहीं पर रोम करने की जरूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ये था डेसिमल टू ऑक्टल। जब भी डेसिमल से जिस नंबर सिस्टम में आना हो उसी से डिवाइड करते हैं, जैसे यहां डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना है हमें 16 से डिवाइड करना है, बट फिलहाल के लिए अब उल्टा है, ऑक्टल से डेसिमल आना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, हमारे पास 172 नंबर है ऑक्टल में, आना किसमें, डेसिमल में। तो आपको करना क्या है, 8 की पावर्स लेनी है, जैसे बाइनरी में 2 की पावर्स ली जाती थी, 8 रेज टू पावर 0 इंटू 2, ये वाला 2, प्लस 8 रेज टू पावर 1 इंटू 7, प्लस 8 रेज टू पावर 2 इंटू 1, यही जो 172 है इसको मल्टीप्लाई करना है 8 की इंक्रीजिंग पावर्स के साथ, और शुरुआत 0 से करनी है। क्लियर, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, इट मीन्स ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस, और जाना इस तरफ है, ये चीज का ध्यान रखना, 8 रेस्ट पावर इज 1 इज 8,
इंटू सेवन प्लस 64 इंटू वन, दिस विल बी 64 प्लस 56 प्लस 2. क्लियर? 6 प्लस 4 इज 10, 6 और 5 11, 120, 120 और 2 हो गए 122. किस में आ गया हमारे पास? ये डेसिमल में आ गया. इट मीन्स 172 का जो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन है, दैट विल बी 122. क्लियर है गाइस? आइए, इसके ऊपर मैंने एक सवाल और लिए, बिकॉज पॉइंट्स में भी ये पूछा जा सकता है और मैंने पहले भी करवाया. देखो पॉइंट्स में कैसा है, पॉइंट से इस तरफ लेफ्ट साइड वैसे ही चलेगा, राइट साइड हल्का सा चेंज आएगा. मैंने ये पॉइंट डाल लिया, लेफ्ट साइड काम करते हैं. 8 रेज़ टू पावर 0 इंटू 7 प्लस 8 रेज़ टू पावर 1 इंटू 2 प्लस 8 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, ये तो सेम हो गया. और राइट साइड पॉइंट के इस तरफ क्या हो जाएगा, 0 से छोटा नंबर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है. 2 1 0 देन माइनस 1 होता है नंबर लाइन में, इंटू क्या हो जाएगा 4. तो देखो 8 का स्केयर इज 64 इंटू 3 प्लस 8 रेज़ टू पावर 1, दैट इज 8. 8 इंटू 2 इज 16 प्लस, अभी यहां तक कौन सी है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, 1 इंटू 7 इज 7. और यहां पर क्या है, यहां पर है हमारे पास पॉइंट. एनीथिंग रेज़ टू पावर माइनस 1 विल गो नीचे, नीचे जाएगा, गो डाउन. 8 नीचे आया, 4 बाई 8 इज 0.5. 64 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, 6 थ्री इज 18 प्लस 1 192 प्लस 16 प्लस 7 प्लस 0.5. क्लियर गाइस? ये तो हो गया 23, 192 प्लस 23 प्लस 0.5, 3 प्लस 2 5, 9 और 2 11, 215.5. 215.5 ये किस में आ गया गाइस? डेसिमल में आ गया. तो इस वे में हमने ऑक्टल से डेसिमल की जो कन्वर्जन है गाइस, वो करिए. आई होप ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा. क्लियर गाइस? गाइस मैं पीछे हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, सो दैट जो नेक्स्ट सवाल है फिर मैंने वो सॉल्व करवाने हैं, इसको मैं रब करूंगा अभी. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आई होप गाइज आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए सर रब करते हैं, मूव ऑन करते हैं. कैसा लग रहा है आप सभी को, मजा आ रहा है ये पढ़ने में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, आपके कमेंट्स में वाकई में आप शायद आपको इस चीज़ का एहसास ना हो, बट मैं बता रहा हूँ जब आप एक टीचर बनोगे आपको फिर आइडिया जरूर होगा कि कमेंट से क्या मोटिवेशन मिलती है. बिकॉज इस समय तो आप कमेंट से ही अपनी जो भी दिल की भावनाएं हैं वो हम तक पहुंचा सकते हो. बहुत मोटिवेशन मिलती है, यकीन मानो. इस समय रात के 9:30 हो रहे हैं और ये वीडियो नए अराउंड 10 बजे आपको मिल जाएगी. तो 9:30 काम हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार है वो हमें मजबूर कर रहा है ये करने में. हमारी खुद की मोटिवेशन भी है और खुद का प्यार भी है. चले नेक्स्ट पे आते हैं, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. अब आपने डेसिमल से हेक्साडेसिमल में आना है. मैंने बताया डेसिमल से जब भी किसी में जाना हो तो आपको जिसमें जाना है उससे डिवाइड करना है. इट मींस हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3509. अब इसे फिर हमें किससे डिवाइड करना है, 16 से. 16 टू जा 32, 3 बैलेंस रहा 30 हो गया, 16 वन जा 16, 14 बैलेंस रहा 149 हो गया. चेक करते 16 को अगर मैं 9 से करूं तो होता है 144. इट मींस 16 9 जा 144. पीछे कितना रह गया, बैलेंस 5 रह गया, वो 5 मैंने यहां लिख दिया. क्लियर हो गया पॉइंट गाइस? इसके आगे देखिए, अब किससे करना है, दोबारा 16, 16 वन जा 16, 59 बैलेंस हो गया, क्योंकि यहां 5 बैलेंस रहा ना, 5 और 9 59. अब 16 के टेबल में 3 से करेंगे तो 48, और कितना बैलेंस रहा फिर हमारे पास, 11 बैलेंस रहा. अब तो नहीं 16 से डिवाइड किया जा सकता, नो, यू हैव टू गो लाइक दिस. नाउ वी नो दैट 13 इज इन हेक्साडेसिमल इज यूज्ड इन लेटर्स. कैसे, फ्रॉम 0 टू 9 तो होता है,
ए के लिए इज 10, फॉर बी इट इज 11, फॉर सी इट इज 12, फॉर डी इट इज 13, फॉर ई इट इज 14, फॉर एफ इट इज 15, ऐसा ही है। तो 13 को मैं क्या बोलूंगा, फिर डी बोलूंगा, ये लीजिए डी। 11 को क्या बोलूंगा, बी बोलूंगा, एंड 5 तो 5 ही है हमारे पास, तो इट मींस हमारे पास हेक्साडेसिमल में ये जो डेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल में इट कम्स आउट टू बी DB5। क्लियर पॉइंट। इसी वे में अब हमने जो नेक्स्ट नंबर दिया है इसे भी हमने सॉल्व करना है, तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, आप जरूर से सॉल्व करिएगा, ठीक है? कोई कंफ्यूजन आएगी तो मुझे जरूर बताना आप। तो गाइज ये था किस वे में डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में आना है। अब एक बार इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, इसके रिवर्स पे आते हैं, उसे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए। देखो अब हमने आना है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्वेश्चन 7th, कन्वर्ट करना है हमने 1AB जो कि हेक्साडेसिमल में है, उससे आना हमने डेसिमल में। ये है ना गाइस, जस्ट अ सेकेंड जी। तो गाइस कन्वर्ट करने से पहले मुझे पता है यार ये ए और बी को मेरे को लेटर से आना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू पे, और वो भी करने से पहले वी नो दैट क्योंकि हेक्साडेसिमल से हमने डेसिमल में आना है, जब ऑक्टल से डेसिमल में आना था 8 की पावर्स थी, अब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आना है 16 की पावर्स होंगी। इट मींस 16 रेज टू पावर 0 इनटू बी प्लस 16 रेज टू पावर 1 इनटू ए प्लस 16 रेज टू पावर 2 इनटू 1। क्लियर। बट ए और बी को इन टर्म्स में लिखना तो जरूरी है हमारे लिए, तो इट मींस दिस कम्स आउट टू बी 1 into 256, 16 का स्क्वायर इज 256, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 into 16, बी की वैल्यू कितनी है 11, 11 into 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। क्लियर गाइस, दिस कम्स आउट टू बी 256 प्लस 160 प्लस 11, एंड दिस कम्स आउट टू बी 6 प्लस 0 इज 6, 5 प्लस 6 इज 11, 416 प्लस 11, और ये कितना आएगा हमारे पास 427। क्या आ गया भाई हमारे पास 427, किस में आएगा ये, दिस कम्स आउट टू बी इन डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, आई होप ये 7 क्वेश्चन जो आपको क्लियर हुआ होगा। एक सवाल और है, BC 9.8, मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन हमने किए। देखो जो पॉइंट है ना, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है, पॉइंट के यहाँ वाली पावर 16 रेज टू पावर 0 से शुरू होगी जैसे मैंने आपको बताया, और राइट साइड जब आपने जाना है तो 16 रेज टू पावर माइनस 1 जो मैं बता चुका हूँ आपको, तो उस तरीके से करके बताइएगा मुझे क्या आंसर आता है आपका गाइस। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। इनके जो भी आंसर्स होंगे, देखो जो भी आप कमेंट्स में जो भी अप्रिशिएट करते हैं बहुत अच्छा लगता है, वो करने के अलावा अगर आपको ये लिखना होगा इनके आंसर्स तो लिखिएगा, ठीक है? वरना कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करिएगा, बिकॉज ऐसे बहुत लाइन होती है तो कभी कभी रीड करने में दिक्कत होती है, जैसे आप अप्रिशिएट कर रहे हो वो तो करते रहो। आते हैं नेक्स्ट पे, ये है हमारे पास BCD और SKY कोड्स। गाइज मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, इनके बारे में डिटेल्ड में कभी नहीं पूछा जाता, ना ही कभी पूछा गया है, ना ही पूछा जाएगा। हाँ अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो क्लास 11, 12 या ग्रेजुएशन में इसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, बट बीइंग अ स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन ये नहीं पूछा जाता। फिर भी मैं आपको क्लियर कट जरूर बताऊंगा ये क्या होता है, ब्रीफ में हम समझते हैं। देखो BCD की फुल फॉर्म होगी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये पूछा जा सकता है कि BCD की फुल फॉर्म क्या है। इट इज अ न्यूमेरिक कोड इन विच ईच डिजिट ऑफ अ डेसिमल नंबर, कह रहे ये एक ऐसा न्यूमेरिक कोड है जहां पे हर एक डिजिट डेसिमल नंबर का, एग्जांपल के तौर पे 5 दैट इज अ डिजिट इन डेसिमल नंबर, 6 7 8 9 0 1 2, ये सभी डेसिमल नंबर्स में डिजिट्स हैं। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ सेपरेट ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, अलग अलग 4 बिट्स बनाए जाते हैं जीरोस और वंस की फॉर्म में। ये वैसा ही है जैसे किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना था, लगभग ये वैसा ही। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं,
जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिया मैंने 24, देखो 24 ये डेसिमल में है, हमें बोला जा रहा है इसे बीसीडी में लाओ, तो मैं ये बोल रहा हूं 24 को आपको तोड़ के काम करना है, 2 को अलग 4 को अलग, और लाना कैसे है वही 8421 जो मैंने मैजिकल नंबर बताया था, याद आप सभी को। अब 8421 और 24 तो आपको मालूम भी है, अगर इस पूरे नंबर को हमने लाना हो इसकी मदद से 8 4 12 2 14 1 15 15 से ऊपर तो हम ला ही नहीं सकते, दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं ना सिंगल सिंगल डिजिट को लाना है। कैसे लाया जाएगा, देखो पहले 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए मुझे ये मालूम है इसे ऑन करते हैं, बाकियों को हम करते हैं ऑफ, फिर 2 बनाना है, 2 बनाने के लिए इसे ऑन करते हैं और बाकियों को करते हैं हम ऑफ, इट मींस फॉर 2 इट इज 0010, फॉर 4 इट इज 0100। तो गाइज दिस इज द बीसीडी कन्वर्जन, दिस इज द बीसीडी कन्वर्जन फॉर द गिवन नंबर 24, क्लियर है? जस्ट अ सेकेंड, चलो ये लो इंक भी खत्म हो गई। देखो गाइस, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ बाइनरी कोडेड डेसिमल कभी कभी टीचर्स भी गलत बताते हैं बिकॉज ये यूज में नहीं आता तो वो इसको ऊपर से जाने देते हैं। मैंने आपको डिटेलिंग में इसलिए बताया क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए कोई, ठीक है? हमारा प्राइम कंसर्न यही है कि डाउट जो है वो कोई नहीं रहना चाहिए। देखो मैं आपको ऐसा करता हूँ 15 को भी कन्वर्ट करके बताता हूँ, यहाँ देखो 15 डेसिमल से बीसीडी में आना है हमने, दोबारा मैजिकल नंबर इज 8421, फॉर 5 को कैसे करेंगे 4 और 1 को ऐड तभी 5 बनेगा, इनको मैंने ऑन किया बाकियों को मैंने ऑफ किया, 1 कैसे बनेगा 1 बनेगा सिर्फ इस 1 को ऑन करके, फॉर 1 इट इज 0001, फॉर 5 इट इज 0101, दिस विल बी द बीसीडी कन्वर्जन फॉर द गिवन डेसिमल नंबर। तो इस तरीके से बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। एक बार टाइमर देख लेते हैं, क्लियर गाइस? अब आते हैं गाइस हम एस्काई कोड्स पे और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। देखो गाइस एस्काई कोड्स जो है इस पे आज तक क्या सवाल पूछे गए, सबसे पहले पूछा जाता है कि बताओ एस्काई कोड जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और ये किसने बनाया था, ऑब्वियसली बात है अमेरिकन बोला जा रहा है तो कहीं ना कहीं अमेरिकन का रोल होगा ही। इट वॉज डेवलप्ड बाई ANSI, ANSI की फुल फॉर्म इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा बनाया गया है। ये किस काम आते हैं, देखो इसमें क्या किया गया है, हर एक लेटर फ्रॉम स्मॉलर ए टू स्मॉलर जेड, फ्रॉम लार्ज कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, हर एक सिंबल, हर एक आपकी कीबोर्ड की जो की होती है जैसे स्पेस बार हो गया और उस पर जो कुछ भी है लेटर्स भी तो होते हैं, उन सब के लिए अलग अलग कोड्स बनाए गए हैं और वो परमानेंटली सेट है, वो कोड्स चेंज नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्मॉल ए का कोड होता है 97, लार्ज ए का कोड होता है 65, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। यू जस्ट नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ एस्काई कोड्स प्लस वन मोर थिंग जो नीचे लिखी है मैंने, क्लियर? तो स्मॉल बी की भी मैंने लेटर्स दिए हैं, कोड्स दिए हैं, जीरो का दिए है, स्पेस बार का होता है, एट द रेट 64, याद नहीं करने में बता रहा हूं आपको। अब एस्काई की दो फॉर्म्स थी, एक एस्काई जो था वो स्टैंडर्ड एस्काई था और दूसरा एस्काई जो था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मम्मा मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं करता हूँ वापस, ठीक है? हाँ ओके बाय। फॉर एस्काई 8 वी कैन से दैट दिस इज द एक्सटेंडेड वर्जन, ये क्या होगा, ये एक्सटेंडेड वर्जन हो गया। देखो 2 raised to power 7, दैट इज यूनिक 128 यूनिक सिंबल्स इसमें पड़े हैं जिनके हम कोड्स बनाए गए और अगले 128 इसमें पड़े हुए हैं। इसको एस्काई 7 बोला जाता है क्योंकि 2 raised to power 7 दैट इज 128, उसको 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एस्काई 8, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे 256। वी कैन से दैट यहां पर लगभग टोटल 256 यूनिक सिंबल्स होते हैं, यही चीज हमें मालूम होनी चाहिए। और एस्काई की फुल फॉर्म पे थोड़ा गौर फरमाओ, किसने बनाया है वो गौर फरमाओ, इनकी आगे फॉर्म्स क्या है ये पता होना चाहिए। लास्ट इज EBCDIC, यू जस्ट नीड टू नो द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC।
दिस इज एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये हालांकि कहीं यूज में नहीं आता, ये जरूर पूछा जा सकता है बीसीडी बनाया किसने है। मैंने बताया स्काई कोड किसने बनाया है, तो बीसीडी बनाया है हमारा आईबीएम कॉरपोरेशन। किसने बनाया है? आईबीएम कॉरपोरेशन। आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी भी है ये। तो इसी के साथ गाइस हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। अभी तक हमारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है कंप्यूटर्स का। वो सभी नए सब्सक्राइबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं, हमने प्लेलिस्ट सॉर्टेड प्लेलिस्ट रखी है, वहाँ जाइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पिछले दो लेक्चर्स पढ़ लीजिए, आपको ये डिटेल में समझ आएगा। एंड आई कैन क्लेम, आई कैन दावा कि जिस चीज़ें जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, आपको फिर डिफरेंट सोर्सेज को क्लब करना पड़ेगा, फिर शायद वो मिले। सिंगल सोर्स में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने अपना फुल एक्सपीरियंस जो है वो आप तक शेयर करने की कोशिश की है। एंड इन द कमिंग डेज मैं रीजनिंग के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँगा, मैं मैथ्स के ऊपर बनाऊँगा, और कल आपको रीजनिंग की सेकंड लेक्चर मिल जाएगा, इट्स माय प्रॉमिस। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक्स अ लॉट।